पता चला नवंबर टाइम्स में, तो कई केंद्रीय मंत्री मेरे घर आते हैं और मैं हमारे टाइम्स में भी आते और नवंबर टाइम्स के जो बहुत ही वरिष्ठ हूँ उनको भी बुला देता था खाने। मैं देखता था कि वो मंत्रियों की क्लास लेते थे, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मंत्रियों की क्लास लेते थे और मैं सोचता था कि इतने वरिष्ठ मंत्री हैं और ये बिल्कुल छात्रों की तरह बैठे हैं, गर्दन हिला रहे हैं और ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट है नाम मैं बोलना ठीक नहीं समझता हूँ, मंत्री लोग मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाइयों की तरह हैं, एक दो तो बेचारे चले भी गए बहुत, वो ऐसे बच्चों की तरह उनसे सीखते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सिविल एजुकेशन के कॉरेस्पॉन्डेंट जितना है परसों मिले थे उनके लंदन में आते हैं इनका, तो उन्होंने वो उसको मंत्री जी को पट्टी पढ़ाई विदेश ये होता है विदेश नीति के मामले में। नरसिंह राव जी जब पहली बार विदेश मंत्री बने तो सब पूछते कि भाई कौन कौन प्रोफेसर किस किस देश का विशेषज्ञ है उसको बुलाया, तो वो तीन दिन तक सिर्फ यही करते थे जब आए यहाँ दिल्ली आंध्र से, वो कोई विदेश नीति में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी लेकिन बना दिया इंदिरा जी, तीन तीन दिन तक वो और कोई काम ही नहीं करते, प्रोफेसर को स्पेशलिस्ट को बुला के उनसे डायलॉग। और मैं ये भी देखता था कि नरसिंह राव जी जैसा इतना विद्वान आदमी, मतलब मेरी उम्र के और मुझसे भी साल दो साल छोटे थे, लड़कों को बुला के उनसे सलाह मशवरा करते थे, नेपाल में हम ये करें तो क्या होगा, पाकिस्तान में हम ये करें तो क्या होगा, अफगानिस्तान में अगर हमको किंग से बात करना है तो क्या होगा, उनका जो फॉरन मिनिस्टर डॉक्टर रवान फरहादी वगैरह जी का ट्रांसफर हो रहा है शांति निकेतन में, रवान फरहादी को हिंदुस्तान की तरफ झुकाने के लिए क्या करना, तो देखिए पत्रकार हैं आप, पत्रकार को कई विद्वान लोग समझते हैं भाई इलिटरेट, बल्कि मजाक में गिरिलाल जी उससे कहा करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया के इतने सुनाम धनी पत्रकार की वेदी इज माई ईयर्स आर ग्रोइंग इन जर्नलिज्म, माई इलिटरेसी इज ग्रोइंग विद डबल स्पीड, कि मैं जितना पत्रकारिता में सीनियर होता जा रहा हूँ मेरी इलिटरेसी डबल स्पीड से बढ़ती जा रही है। मैंने कहा भाई साहब क्या क्यों बोलते हैं, मुझे इसलिए कि हमको किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, विद्वानों से इंटरव्यू करने का टाइम नहीं मिलता है, अखबार निकलते हैं और अखबार बनते हैं, खबरें आती हैं और खबरें जाती हैं, ना हमारे पास कुछ देने के लिए है ना हमारे पास कुछ देने के लिए है, हम तो फालतू बैठे रहते हैं। जबकि गिरिराज जैन और शामराज जी का लेख पढ़े बिना कोई प्रधानमंत्री उसमें नाश्ता नहीं कर सकता, इतना असर होता है भारत की राजनीति। मेरा आपसे निवेदन यही है कि अगर हमको पत्रकारिता का पाया मजबूत करना है, लोकतंत्र के चौथे पाया को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है, तो हमारी जिम्मेदारी नेताओं से कहीं ज़्यादा है, इसलिए समस्याओं के बारे में अफसरों और नेताओं से ज़्यादा जानकारी हमारी होनी चाहिए। और ऐसे कई पत्रकारों को मैं जानता हूँ कि अपने विषय के वो महापंडित, वो सरकार के क्लास ले सकते, तो लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अब आप जो भी संवाद करना चाहें, कुछ मुझे मेरा ज्ञान वर्धन करना चाहें, आपका स्वागत है।